अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टोरेज हार्डवेयर के टॉपिक को स्टार्ट किया था और स्टोरेज हार्डवेयर के अंदर हमने कंप्यूटर स्टोरेज की टाइप्स यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को बहुत डिटेल में पढ़ा था। दोस्तों, स्टोरेज हार्डवेयर के टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरे बुक्स के अंदर यानी सिंटेक्स बुक, सक्कर बुक, इन तमाम बुक्स के अंदर इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी की दूसरी किस्म सेकेंडरी स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरीज मौजूद होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब आप कंप्यूटर को खरीदते हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ मेमोरी मौजूद होती है यानी रैम और रोम, जो कि प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जब आपके कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी मौजूद होती है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पेश आती है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा, इमेजेस, फाइल्स और म्यूजिक लंबे अरसे तक हमारे कंप्यूटर के अंदर महफूज रहें, ताकि हम उनको बार बार जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर मौजूद रोम के अंदर हम अपनी मर्जी के डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल नहीं सकते, ना ही उनको डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं। और इसी तरह रैम के अंदर जैसे ही कंप्यूटर किसी वजह से बंद किया जाता है, रैम के अंदर मौजूद डेटा कंप्यूटर से उड़ जाता है। इसीलिए जरूरत पड़ी सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम ना सिर्फ अपनी मर्जी के डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, बल्कि उसके अंदर तब्दीली भी ला सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हम किसी वजह से अपने कंप्यूटर को बंद भी करते हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा अपनी जगह पर साकित रहता है यानी अपनी जगह पर महफूज रहता है। इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों, आजकल ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस आ गई हैं यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ गई हैं जिनके अंदर हम लगातार डेटा को किसी भी डिवाइस के अंदर महफूज करा सकते हैं। इसके अलावा ये कीमत में भी बहुत ज्यादा नहीं होती। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा रिलायबल होती हैं, यानी इनके अंदर से डेटा टेम्परिंग करना, डेटा के अंदर छेड़छाड़ करना, उसको लीक करना, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर मौजूद डेटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता था, यानी इसके अंदर मौजूद डेटा को सीपीयू डायरेक्टली निकाल सकता था, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मौजूद डेटा को निकालने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस डेटा को प्राइमरी स्टोरेज के अंदर लोड किया जाता है, तब ही सीपीयू उस डेटा को प्राइमरी स्टोरेज के अंदर से निकाल सकता है। दोस्तों, इसीलिए इसके अंदर से डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत होती है, यानी किसी न किसी राइट्स की, परमिशन की और इजाजत की जरूरत होती है। इन तमाम फवायद की वजह से सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम हो गया है। जिस तरीके से प्राइमरी मेमोरी की दो इकसाम थी, रैम और रोम, बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी की भी दो टाइप्स हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज की वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस मौजूद हैं, लेकिन आज हम कुछ मेन डिवाइसेस को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम फ्लॉपी डिस्क को पढ़ेंगे, उसके बाद हार्ड डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी, डिस्कीट और सिंपल डिस्क भी कहा जाता है। ये पतली फ्लेक्सिबल डिस्क होती हैं जिनके अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर मौजूद डेटा को रीड और राइट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये पोर्टेबल होती हैं, यानी इनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर बासानी डाला जा सकता है, बशर्ते कि दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स मौजूद हों। इसी तरीके से इनके अंदर मौजूद डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर बासानी ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों, इनको आम तौर पर, क्योंकि इनके अंदर दूसरी डिवाइसेस की तरह बड़ी तादाद में डाटा को स्टोर करने की सलाहियत नहीं होती, इसीलिए अब इनको किसी दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस के डाटा की कॉपी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साइज के हिसाब से तीन तरह की फ्लॉपी डिस्क होती हैं, लेकिन आपकी बुक में इन दो टाइप्स को डिटेल में पढ़ाया गया है, 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क, दोस्तों, इनको 1987 में बनाया गया था
और इसके अंदर आप 100 किलोबाइट से लेकर 1.2 मेगाबाइट तक के डेटा को इनके अंदर महफूज करा सकते हैं। लेकिन 1990s तक इसकी शोहरत बिल्कुल खत्म हो गई थी क्योंकि इसके अंदर कुछ ओपन एक्सेस एरियाज मौजूद थे जिनके जरिए डस्ट यानी मिट्टी फ्लॉपी डिस्क में दाखिल हो सकती थी, और मिट्टी किसी भी डिस्क के अंदर अगर दाखिल हो जाए तो उस डिस्क को खराब कर देती है। इसीलिए 1990s के बाद कॉमन हुई 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जिसको IBM ने 1984 में इंट्रोड्यूस कराया। ये स्टार्ट में 720 किलोबाइट के डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती थी जो कि आगे चलकर 1.44 मेगाबाइट तक पहुंच गया था। अपनी इसी स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से 5.25 इंच का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो गया था। सबसे पहले 3.5 डबल डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क आई क्योंकि 720 किलोबाइट, उसके बाद आई हाई डेंसिटी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो कि 1.44 मेगाबाइट, और अब एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क आ गई है जो कि 2.88 मेगाबाइट तक के डाटा को अपने अंदर महफूज करा सकती है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हब। अब दोस्तों तमाम डिस्क को रोटेट करवा कर यानी घुमा कर डाटा को रीड और राइट करवाया जाता है, और किसी भी चीज को घुमाने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट की जरूरत होती है जिसके गिर्द उस चीज को घुमाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर वो सेंट्रल पॉइंट हब कहलाता है जिसके गिर्द आपकी डिस्क को घुमाया जाता है। इसके बाद है रीड राइट एक्सेस डोर। इसके अंदर एक मेटल का दरवाजा होता है जिसको रीड राइट एक्सेस डोर कहा जाता है। ये दरवाजे की तरह खुल सकता है और बंद हो सकता है। जैसे ही आप फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर के अंदर फ्लॉपी डिस्क को डालते हैं ये दरवाजा खुल जाता है ताकि कंप्यूटर आपके डेटा को रीड और राइट कर सके, और जैसे ही डिस्क ड्राइवर से बाहर आती है ये मेटल डोर बंद हो जाता है ताकि डिस्क पर मौजूद मैग्नेटिक हिस्सों को खराब होने से बचा सके। इसके बाद है राइट प्रोटेक्ट टैब या फिर राइट प्रोटेक्शन टैब। आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट साइड पर एक राइट प्रोटेक्ट टैब है। इसका ये काम होता है कि डिस्क के अंदर मौजूद डेटा गलती से भी डिलीट नहीं हो सकता अगर आप इसको इनेबल कर दें। अक्सर हमारे मेमोरी कार्ड्स के अंदर मौजूद डेटा तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं। अगर हम राइट प्रोटेक्शन टैब को इनेबल कर दें, खोल दें, तो ना ही डिस्क के अंदर मजीद फाइल ऐड हो सकती हैं और ना ही पुरानी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं। जब तक आप इसको डिसेबल नहीं कर देंगे ये डाटा को अपने अंदर राइट नहीं कर सकता। इसके जरिए हम अपने डाटा की राइट प्रोटेक्शन कर सकते हैं यानी इसके ऊपर और फाइल्स को ऐड करने से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है हाई डेंसिटी होल। ये होल आपके कंप्यूटर को ये बताता है कि आपकी डिस्क की कैपेसिटी क्या है, यानी आपकी डिस्क हाई डेंसिटी डिस्क है। आइए हम जानते हैं कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क किस तरीके से काम करती है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक खास किस्म के मटेरियल की कोटिंग हुई होती है जो कि फेरोमैग्नेट कहलाता है। इसकी खसूसियत ये होती है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा जाता है तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है यानी खुद भी मैग्नेट बन जाता है और अपने ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट कर लेता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल ही आगे चलकर बिट्स की शक्ल में अपने अंदर डाटा को महफूज करते हैं। दोस्तों किसी भी फ्लॉपी डिस्क के ऊपर आपने इस तरीके के सर्कल्स को देखा होगा। ये सर्कल्स आमतौर पर ट्रैक्स कहलाते हैं जिनके ऊपर डाटा को महफूज किया जाता है। जब इन सर्कल्स को इस तरीके के पाई शेप्ड एरियाज में तोड़ा जाता है तो ये सेक्टर्स कहलाते हैं, और बिट्स की शक्ल में इन सेक्टर्स के अंदर डाटा को महफूज किया जाता है। दोस्तों ट्रैक और सेक्टर नंबर के जरिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ड्राइव को इस बात का पता लगता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ महफूज की गई है। डेंसिटी ऑफ ट्रैक यानी आपके ट्रैक की डेंसिटी को नापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ट्रैक्स पर इंच, यानी एक इंच में ट्रैक्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डाटा आपकी फ्लॉपी डिस्क अपने अंदर महफूज कर सकती है। और ये ट्रैक्स मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर तब्दील होते रहते हैं, यानी किसी फ्लॉपी डिस्क के अंदर ट्रैक्स की तादाद ज्यादा होती है और किसी फ्लॉपी डिस्क के अंदर
इसकी तादाद कम होती है। दोस्तों जिस तरीके से प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग करने के लिए एक प्रिंट हेड होता था जिसके जरिए इंक को पेपर पर मुंतकिल किया जाता था, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क के अंदर डाटा को रीड और राइट करने के लिए रीड राइट हेड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले उस रीड राइट हेड को ट्रैक जीरो पर प्लेस किया जाता है, यानी फ्लॉपी डिस्क के स्टार्टिंग ट्रैक पर डाल दिया जाता है और जैसे ही सेंसर स्टार्टिंग ट्रैक पर पहुंचता है आपका कंप्यूटर किसी भी फाइल को फ्लॉपी डिस्क में रीड राइट करवाने के लिए रेडी होता है। जब रीड राइट हेड ट्रैक पर से गुजरता है यानी अपने डिजायर्ड ट्रैक पर से गुजरता है जिस पर से उसको इंफॉर्मेशन को रीड राइट करना होता है, ट्रैक जो कि मैग्नेटिक पोलराइजेशन के जरिए इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रीड और राइट कर लेता है, क्योंकि रीड राइट हेड और फ्लॉपी डिस्क दोनों मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज हेड को देता है, हेड उसको नॉर्थ और साउथ पोल की मदद से उनको इनकोड करके वन और जीरोस की सीरीज में फ्लॉपी डिस्क के अंदर स्टोर करवा देता है। यानी आप देख सकते हैं कि डाटा इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम डाटा वन और जीरोस की शक्ल में कंप्यूटर में महफूज होता है। जब हम इसको फ्लॉपी डिस्क को देते हैं तो फ्लॉपी डिस्क इसको नॉर्थ और साउथ पोल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, फिर उस नॉर्थ और साउथ पोल को एक सेंसर के जरिए इनकोड किया जाता है। यानी सेंसर उसको वन और जीरोस में कन्वर्ट करके फ्लॉपी डिस्क के अंदर महफूज कर देता है। दोस्तों ये सारा मैकेनिज्म था किसी भी फ्लॉपी डिस्क के ऊपर डाटा को रीड और राइट कराने डाटा को राइट करवाने का, बिल्कुल इसी का ओपोजिट तरीकेकार इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए किया जाता है। यानी डिस्क पर मौजूद मैग्नेटाइज्ड हिस्सों से हेड सिग्नल्स को वन और जीरोस की शक्ल में लेकर कंप्यूटर को दे देता है। दोस्तों ये थी हमारी फ्लॉपी डिस्क की वर्किंग। आपकी फ्लॉपी डिस्क कितनी बड़ी तादाद में डाटा को अपने अंदर महफूज कर सकती है इसका अंदाजा कुछ चीजों से लगाया जाता है। सबसे पहले है सेक्टर्स। हम ये जानते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ट्रैक्स पर मुश्तमिल होती है और जब इन ट्रैक्स को इस तरीके की शेप में तोड़ा जाता है तो ये सेक्टर्स कहलाते हैं और सेक्टर्स पर ही बिट्स की शक्ल में डाटा को महफूज किया जाता है। दोस्तों इन ट्रैक्स और सेक्टर की तादाद मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चेंज होती है, यानी किसी फ्लॉपी डिस्क के अंदर ट्रैक्स की तादाद 18 होती है तो किसी फ्लॉपी डिस्क के अंदर ट्रैक्स के अंदर मौजूद सेक्टर्स की तादाद 2000 तक भी होती है। तो दोस्तों जितने ज्यादा सेक्टर्स मौजूद होंगे उतनी ही ज्यादा बिट्स आपकी फ्लॉपी डिस्क अपने ऊपर महफूज कर सकती है। इसके बाद है साइड्स। दोस्तों पहले जो फ्लॉपी डिस्क आती थी वो वन साइडेड होती थी, यानी उनके ऊपर वन साइडेड मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हुई होती थी। वन साइडेड कोटिंग का मतलब है कि एक ही साइड पर ट्रैक्स होते थे और एक ही साइड पर सेक्टर्स और एक ही साइड पर डाटा इनके ऊपर स्टोर किया जाता था। लेकिन उसके बाद डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क आने लग गई थी जिनके ऊपर दोनों साइड पर कोटिंग होती थी और दोनों साइड पर ट्रैक्स और दोनों साइड पर डाटा इनके ऊपर महफूज किया जाता था। दोस्तों इसके बाद है डेंसिटीज। हम ये जानते हैं कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर डबल डेंसिटी, हाई डेंसिटी और एक्स्ट्रा हाई डेंसिटीज की फ्लॉपी डिस्क मौजूद होती है। इन डेंसिटीज के जरिए इन डेंसिटीज को नापने के लिए बिट्स पर इंच के यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक इंच में कितनी बिट्स मौजूद हैं, कितनी बिट्स महफूज की गई हैं, इसको डेंसिटी कहा जाता है। दोस्तों जितनी ज्यादा साइट्स उतने ज्यादा ट्रैक्स और उतने ही ज्यादा सेक्टर और उतनी ही हाई डेंसिटी अगर आपकी डिस्क के ऊपर मौजूद होगी तो उतनी ही ज्यादा बिट्स आपकी डिस्क अपने ऊपर महफूज कर सकती है। आइए हम जानते हैं कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी यानी उसकी डाटा को अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत कितनी होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क के अंदर टोटल 80 ट्रैक्स होते हैं, यानी इस तरीके के 80 सर्कल्स मौजूद होते हैं और एक ट्रैक के ऊपर 18 सेक्टर्स मौजूद होते हैं। यानी इस तरीके के एक सर्कल को जब इस पाई शेप में तोड़ा जाता है तो ये टोटल 18 बनते हैं। दोस्तों 80 मल्टीप्लाई बाय 18
1440 सेक्टर्स आपकी पूरी डिस्क के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर आपकी डिस्क डबल साइडेड है तो 1440 सेक्टर्स को दुगना कर दें तो 2880 सेक्टर्स आपकी डिस्क के दोनों साइड्स पर मौजूद होंगे। दोस्तों एक सेक्टर के ऊपर 512 बाइट्स स्टोर की जाती हैं, तो टोटल 2880 सेक्टर्स के अंदर 1474569 बाइट्स तक के डाटा को आपकी पूरी डिस्क के ऊपर महफूज कराया जाता है, जो कि 1.44 मेगाबाइट तक का डाटा बनता है। दोस्तों ये थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किस तरीके से काम करती है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क किस तरीके से डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है और उसके अंदर डाटा को स्टोर करने की सलाहियत कितनी होती है। दोस्तों अगले लेक्चर के अंदर हम हार्ड डिस्क यानी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की दूसरी डिवाइसेस हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप को डिटेल में पढ़ेंगे।